तो आज सुबह की शुरुआत एक प्यारे से गुड मॉर्निंग के साथ, और आप देख सकते हो कि सुबह सुबह स्कूल के सारे बच्चे जो है ऐसे फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं मॉर्निंग के टाइम पे। तो बहुत यूनिक लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि रात को यहाँ पे रात के 8-8 बजे तक NCC की प्रैक्टिस होती है। और अभी के टाइम पे तो अगर ऑफ टाइम रहता है, मॉर्निंग में जो गर्ल्स का टाइमिंग है तो वो लोग अगर उस टाइम अगर ऑफ रहे तो बॉयज़ आके ऐसे फुटबॉल खेलते हैं या कुछ भी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे बच्चे बरामदे पे भी बैठे हुए हैं तो बहुत क्यूट लग रहा है। और ये रहा आज का सुबह का नज़ारा, तो सुबह सुबह की धूप बहुत ज़्यादा चमकीली है। तो ये है आज का लंच, जो कि फिश है, माछेर झोल, और ये रही सब्जी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हो गई है शाम और मैं जा रही हूँ थोड़ा काम से नीचे, और मेरे साथ है मेरी मम्मी। हाय बोलो। और आज मेरा फेस बिल्कुल बंदर की तरह दिख रहा है, नो डाउट। तो मेरी हाँ आ गया। हाँ ले लिए हैं, पियोगी? हाँ, एक्चुअली वो पानी की बोतल है तो मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ पानी की बोतल। और मैं आ गई हूँ अभी अनुभव को पढ़ाने के लिए, और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओके, तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। फिलहाल हो गई है मेरी जो पढ़ाई वो कंप्लीट। अनुभव हाई बोल दो। तो हाई बोल चला गया। और अब मैं भी जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी है। मेरा बहुत स्पीड क्योंकि घर और मेरा एक पेट है कि घर में, तो वो मैं ले लूँ। मेरी कुकिंग नहीं हुई तो मुझे कुकिंग करना है, अच्छा वाला, स्पेशल वाला। और मैं आज बाहर भी नहीं गई थी और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा कि बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने इस बार मैचिंग एक कान में पहना है, तो इसका एक स्टोन जो है वो गिर गया है, पर टॉप सिर्फ 10 रुपीज़ का है। और इतना मतलब कि क्यूट है कि मैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। होगा तो फिर निश्चिंत रहेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। तो मैं आ गई हूँ लिफ्ट में और जा रही हूँ मेरे फ्लोर पे, और मेरे साथ है मम्मी। और कल इतना धूप में चली हूँ कि मुझे स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैं आ गई हूँ मेरे घर पे, और मेरी सिस्टर की डिमांड है और पापा की भी डिमांड है कि घर पे एक्चुअली कल मतलब कि कुछ अच्छा बनने को था। तो कल तो फुल डे हमारा ऑफिस में ही, पापा के ऑफिस में ही इनवाइट था, और रात के वक्त जो खाना था वो ऑफिस से ही पैक होके आया था नाइट के लिए, तो हमारा फुल डे का वहीं पे इनविटेशन था। तो आज सबका मन करा है कि कुछ अच्छा खाएं, वेज में खाएं, तो सबने कहा कि सबको खीर पूड़ी और आलू की सब्ज़ी खानी है। तो मुझे लगा चलो आज वही बनाते हैं, तो मैं खीर पूड़ी और आलू की दम बनाऊंगी। तो मैं जल्दी जल्दी से मेरी कुकिंग कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, और आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे बनती है वो, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अगर मेरा चेहरा ना भी आए तो भी मैं कोशिश करूंगी जो बन रहा है वो आप लोग से ज़रूर शो करूं। तो बनाती हूं और आपको दिखाती हूं, तब तक चलिए। तो मैं जा रही हूँ आलू दम बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने आलू को बॉयल करके छील के अच्छे से कट कर लिया है। ये है कुछ मसाले, इसमें मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है, और लहसुन प्याज का पेस्ट है, थोड़ी सी मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरा का जो डस्ट है वो लिया हुआ है मैंने।
कढ़ाई में इधर तेल जो है बॉयल हो रहा है, पे मैं खीर चढ़ा दी हूँ। बॉइल्ड आलू है, मैं इनको थोड़ा ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ब्राउनी टाइप का। भी आलू को बॉयल कर लिया है और मैंने इसे आलूओं को फ्राई कर लिया है जो कि मैंने बॉयल किया हुआ था। और अभी मैं मसालों को ऐसे भून ले रही हूँ और मैंने इसमें ऑलमोस्ट नमक जो ऐड कर लिया है। पे मैंने आलू के साथ मसाले को ऐड कर लिया है और थोड़ा सा फ्राई करूँगी और हल्का पानी दूंगी, ज़्यादा नहीं, और मेरी सब्ज़ी जो है रेडी हो जाएगी। पे मेरी खीर भी लगभग रेडी हो गई है, मेरी सब्ज़ी भी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो मैं अभी इसे बस ढक दूँगी। तो प्लेट्स में थोड़ा पानी है, बस थोड़ा सूख जाए, बस मेरा खाना कंप्लीट। मेरी पूड़ियाँ यहाँ पे फ्राई हो रही हैं, बस पूड़ियाँ बन जाए तो मेरा जो डिनर है ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। ये रही मेरी पूड़ियाँ और ये है मेरी आज के खाने की थाली, जिसमें है सब्ज़ी में आलू दम, ये रही खीर, ये रही पूड़ियाँ और ये है कालो जाम है ना, हाँ, तो ये कालो जाम है, यहाँ का एक बहुत मतलब कि फेवरेट स्वीट डिश है ये, तो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत छोटा सा पर बहुत खूबसूरत सा है ये। आई होप आप लोग भी अपने घर में ऐसे ही अपने खाने की थाली को एंजॉय करते होंगे। कभी कभी ऐसे भी रुक देना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे के जो पर्दे हैं वो बिल्कुल मेरे वॉल के साथ, मेरे पीछे जो वॉल है उसके साथ मैचिंग है, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है ऐसे मुझे इसे डिवाइड में। और जब मुझे पिक लेना होता है तो मैं ऐसे ज़रूर पोज देती हूँ, तो बहुत ही क्यूट वाली पोज आती है इसमें। तो बाल खोल लेने के बाद कुछ ऐसा लगता है, और काफ़ी सारे हैं तो बाल खोल लेने के बाद मैं कुछ ऐसी लगती हूँ भूतनी टाइप, पर ये मेरा हेयर स्टाइल है। तो ज़्यादा बाल को मैं नहीं खोलती क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा गर्मी, और एसी अभी बंद है, तो बंद इसलिए है क्योंकि पर यूनिट यहाँ पे 10 रुपीज़ चार्ज होता है। तो फिर भी सुबह से बहुत ही एटलीस्ट मतलब कि मैंने गर्मियों के मौसम में जितना एसी इस बार यूज़ नहीं करा उतना अभी के टाइम पे हम लोग एसी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फिर भी अभी जो है वो बारिश का मौसम है। लास्ट ईयर हम लोगों ने ऐसे इतना ऐसे यूज़ नहीं करा था जितना इस बार यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो डेली रूटीन से लाइफ में होता ही रहता है, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, कभी अच्छा तो कभी बुरा, तो और जो भी अच्छा है और हम बहुत खुश हैं। आई होप आप लोग अपने डेली रूटीन में अपनी लाइफ में ऐसा ही इन्जॉय करते होंगे। और मेरे साथ ही ये मेरा फेवरेट डेली, ऐसे ऐसे मैं पूरे घर की राउंड मार रही हूँ। और अब मैं रिलैक्स करने के लिए मेरी सिस्टर के साथ बैठी हूँ और मेरी सिस्टर अपना शूट कर रही है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकती उसके बारे में, वो गुस्सा हो रही है। तो फिलहाल मैं आप लोगों से ऐसे ही बात कर रही हूँ, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों से ऐसे रूबरू होकर, आप लोगों से बातें करके, अपनी बातें शेयर करके। तो जिनको शेयर करना पसंद है अपनी बातें ब्लॉगिंग वाली, तो उन लोगों को तो अच्छा लगता ही होगा। आयो तो मेरी डिनर जो है वो हो गई कंप्लीट, और मैं मेरा फेस नहीं शो कर रही थी क्योंकि मुझे इतना 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 ज़्यादा पसीना आ रहा था और अभी भी मतलब कि स्वेटिंग है, तो मैंने पूरे फेस को फिर से पोंछ लिया। और बहुत ही आज पता नहीं क्यों आज और कल बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्मी है और थी। नॉर्मली हमारे यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, पर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब कि ऐसे फेस्टिवल के टाइम बारिश नहीं हुई और बहुत ज़्यादा गर्मी, और मेरे स्किन पे इस साइड में इतनी ज़्यादा जलन हो रही है कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऑलमोस्ट मेरा डिनर जो है वो कम्प्लीट है और हम लोग अब खाने की तैयारी करेंगे। आज मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, फिर भी अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस आप लोग से यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और आप लोग के कमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो आई होप आप लोग मेरे वीडियो को देखकर कमेंट ज़रूर करेंगे, और कैसा लगता है मेरा वीडियो आप लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। तो फिलहाल तो मैं ऐसे बैठी हूँ, रिलैक्स हो रही हूँ, आप लोग भी बैठे रिलैक्स कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।